मूवी बहुत ज़्यादा स्लो थी और जो ट्रेलर में दिखाया था वही था, कुछ एक्स्ट्रा इसमें था नहीं, बट जो बच्ची ने काम किया वो बहुत अच्छा है। की बात की जाए तो बच्ची के साथ साथ कुछ आपको और भी दिखाना चाहिए अपने साथ? नहीं बाकी इतना कुछ खास था नहीं, इट वॉज़ वेरी स्लो एक्चुअली, तो हम वेट कर रहे थे कि कब ख़त्म हो, और एंड में इट्स लाइक आपको लगता है वो गिरेगी या नहीं, तो बस वो बच्ची बच जाती है, बस यही है, बाकी इसमें कुछ था नहीं। आई डिडंट लाइक इट मच, बट ऐसा एक मैसेज है कि कभी कभी वी डोंट टॉक टू पीपल हु आर वेरी क्लोज टू अस, सो मे बी इन दैट टाइम यू नो कुछ हो सकता है, सो इट्स बेटर यू टॉक एंड सॉर्ट आउट थिंग्स, वो इसमें लाइक एक मैसेज है, बाकी तो कुछ नहीं था। डायरेक्शन वॉज गुड, इट वॉज वेरी स्कैरी इनफैक्ट। 3 या अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्टोरी पे काम हुआ है, कुछ लीक से हटकर काम हुआ है अभी। पहले क्या है, फिल्में कुछ रोमांस वगैरह रहता था, अभी कुछ अलग काम हो रहा है तो ये बेटर है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बच्चे का, जिस हिसाब से उसको डायरेक्ट किया गया वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। स्टोरी वाइज कहीं कहीं पे फिल्म बोर करती है कुछ कुछ जगह पे, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें दी हुई हैं इस तरीके की कि ऑडियंस बोर ना हो, तो काफ़ी अच्छी है, इंटरटेनिंग है। एक्चुअली जब बच्ची उस घर के अंदर अकेली है तो उस बच्ची के साथ क्या क्या घटना घटित हो रही है, वो क्या क्या प्रॉब्लम से फंस सकती है, या हमारे फ्यूचर में कभी हमारी कॉलोनी में ऐसा कुछ हो, तो यही सारी चीज़ें हैं तो जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं और मूवी इंटरेस्टिंग लग सकती है। मैसेज यही देती है कि हमें अपने आस पड़ोस का ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर कुछ ऐसा तो नहीं घटित हो रहा है, हमें फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं हमारे साथ में तो उनके साथ भी अच्छे से रहना चाहिए, कुछ संबंधों को लेकर के अपने। फिल्म से पहले आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना आप एंजॉय कर पाए फिल्म? हाँ अच्छी है। कितने स्टार आउट ऑफ 4? मूवी बहुत अच्छी लगी, जैसा मैंने ट्रेलर देखा था। इनफैक्ट मैं इस फिल्म को 2 साल पहले से फॉलो कर रही हूँ, जब से ये फेस्टिवल में जा रही तब से मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मैं इस तरह का ही सिनेमा देखना चाहती हूँ। और जो स्टोरी पे काम हुआ है, कंटेंट पे काम हुआ है, वो बहुत अच्छा है। यानी सभी ने मिलके जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, तो हर स्टेप पर आपको कुछ ना कुछ चौंकाने वाला कि मिलता है, तो लगता है अब ये होने वाला, सडनली कुछ और ऐसा हो जाता है, तो वो दर्शकों को जो बांधे रखती है। और जैसा कि और भी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि लीक से हट के जो काम हुआ है, तो अब जो हमारा सिनेमा थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नाचना गाना उससे आगे निकल के हम स्टोरी पे, जो हमारा भारत जिस तरफ बढ़ रहा है, यानी पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब जिस तरह से एकाकी परिवार होने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कितनी हमारे अंदर नकारात्मकता जिसको हम कहते हैं वो चीज़ आ रही है, हमें आस पड़ोस से मतलब नहीं होता है, इस तरह के कई इंसिडेंट्स हुए हैं। हम अखबार उठा के पढ़ लें तो ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर की जो संवेदनाएं हैं वो ये पीहू फिल्म में उसको जगाती है कि हम कैसे उसको वापस ला सकते हैं। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया फिल्म को, लेकिन इन्जॉयमेंट के साथ साथ मैं, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही थी जो मुझे कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही थी कि कहीं ऐसा होता है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि सिनेमा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है मैसेज देने का, तो सिर्फ इंटरटेनमेंट तक ही इसको सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा माध्यम है। कितने सर आउट ऑफ 5? मैं तो 5 देना चाहूँगी। ये किसके लिए? एक्चुअली मूवी वॉज वंडरफुल मूवी एंड रियली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट विनोद कापड़ी जी, तो इट्स अ गुड मूवी। या वो पीहू, या इट्स अ वंडरफुल आर्टिस्ट, बट एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग वाई शी डिडंट गेट नेशनल अवार्ड एज अ बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट लास्ट ईयर, बिकॉज आई हर्ड दैट वॉज लास्ट ईयर इफी इंटरनेशनल, आई मीन द इंडियन पनोरमा, पीहू वॉज देयर, बट आई मिस दैट मूवी लास्ट ईयर, देन आफ्टर 1 ईयर आई कुड सी दिस मूवी, दैट्स वाई आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। Yeah, actually, it is not impressed me the storyline. Storyline, I feel it's an ordinary storyline. And the thing is that in the movie, definitely there is a sufferings of a small kid, like because she couldn't know what to do. So the situation was against that small child. And the thing is that I think it's totally an experimental movie. I know, because me the director, so that's why I know it's an experimental movie. Direction. Yeah, direction pattern is not that much good,
because he did well, but there is no, it's only the difficult to shoot that particular situation with that small kid. That's the important thing, only this movie. Other than, there is nothing. By saying that about the craft and other things, it's a quite natural movie. Yeah. Lekin wo usme kya bola, there should be some directorial talent is also there, but not that much higher, but it's a good attempt. So it's a good movie. So how many stars? Pardon? How many stars would you like to give out of 5? Out of 5? Of course, 3.5. Thank you so much. Yeah. बहुत ही अच्छी मूवी है और ये इतने दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद मैंने स्क्रीन पर एक ऐसी मूवी देखी जो कि ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। ये लव स्टोरी और या भी ये ऐतिहासिक फिल्में चलती हैं, इससे बिल्कुल अलग है। मतलब एक बच्ची को लीड करके फिल्म बना दी, सबसे बड़ा चैलेंज डायरेक्टर के लिए। उन्हें बधाई देना चाहते हैं इसके लिए कि उन्होंने एक चीज़ को अलग तरीके से परोसा इस चीज़ को। बहुत ही अच्छी, मतलब लगा ही नहीं कि पूरी फिल्म में बच्ची ने कोई एक्ट किया है। एकदम रियल कैरेक्टर, नेचुरल एक्सप्रेशंस उसके जा रहे हैं। कहीं से कोई लगा ही नहीं कि एक्ट किया गया है, करवाया गया है। एकदम लाइव है वो पूरा। स्टोरी लाइन कैसी है? स्टोरी लाइन तो मतलब स्टोरी क्या कहा जाए, एक सिचुएशन था कि एक बच्ची घर में है। अब बच्ची का पूरा मामला कि एक अकेली बच्ची है, घर में कोई है नहीं। अब वो माँ को जगाती रहती है, चीज़ें करती रहती है। तो एक पूरा सिचुएशन ही है घर के अंदर, बंद कमरे का एक पूरा सिचुएशन है एक बच्ची का, कि घर में अब बच्ची छोटी है, क्या करती है, कैसे खाना करना है। बस सिचुएशंस हैं, स्टोरी क्या ही कहा जाए, बस सिचुएशंस हैं। डायरेक्शन के साथ मूवी डायरेक्शन में अगर मैं ये कहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ा तो ये चीज़ है कि बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने ऐसा स्क्रिप्ट चुना। ये बहुत रिस्की स्क्रिप्ट है फिल्म के लिए। हालांकि डायरेक्शन और बेहतरीन हो सकती थी, कहीं कुछ कंटिन्यूटीज़ के सीन थे। जैसे एक डेड बॉडी का मामला है कि डेड बॉडी डे बाई डे थोड़ा सा उसका पोजिशन थोड़ा सा और ख़राब होते जाता है, थोड़ा तो इस चीज़ की मिसिंग मुझे लगी थोड़ा सा। लेकिन बाकी और मामलों में बहुत बढ़िया ये चला, बहुत स्मूथली एकदम। मतलब धीरे धीरे जितने ऑडियंस से कनेक्ट होते जा रहे हैं और उस एक्टर से ऐसा लग रहा है ना, जैसे बच्ची है, लगता है कि ऐसा जुड़ जा रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए उसको। आदमी लगता है कि काश ना करो, टच मत करो, कहीं छत से कूदने वाला, रुक जाओ मत जाओ आगे। मतलब जुड़ता जाता आदमी उस चीज़ से। हाँ, एज ए ट्रेलर तो मतलब ये कहा जाए कि मुझे लगा था कि बहुत मतलब एक करेक्टर की फिल्म आ रही है। हालांकि ये देखा अच्छी लगी, लेकिन जो उम्मीद थी ना, मतलब उसी से थोड़ा सा नीचे रहा ये चीज़। और ये चूँकि बातें मतलब सारी जो फिल्म में चीज़ें दिखाई गई हैं सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन पॉइंट थोड़ा सा विकला हुआ टोटलिटी में। बाकी सबका काम मैसेज तो ये दे रही है कि आप बड़े बड़े शहर में एक छोटी सी फैमिली रहती है, और फैमिली के बीच में आजकल क्या होता है ना कि थोड़ा सा जितनी हमारी मेंटलिटी है, थॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, हाई होती जा रही है, उतनी हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। उसका असर हमारे आने वाले जनरेशन बच्चों पर पड़ता है, और इसका इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों पर, जिसका शिकार ये बच्ची हुई है। फाइव मिनट में तो फोर दूँगा इस चीज़ में। फिल्म दिल को छुई, रूह को छलनी कर दी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये समाज ऐसा है और हम बड़े बड़े घरों में क्यों रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से निकल के अपने कल को सेफ़ एंड सिक्योर करते हैं, मगर इस सेफ़ और सिक्योर करने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपने को भूलते जाते हैं और मशीन बनते जा रहे होते हैं। और ये फिल्म वही बता रहा है कि इंसान में पैदा हुए, इंसान रहो, अपने अंदर एहसास है उसको बरकरार रखो, जज्बात को ज़िंदा रखो, और इतना भी देर मत कर दो कि सॉरी सुनने वाला ज़िंदा ना रहे। परफॉर्मेंस यार, घर बोल रहा है, चीज़ें बोल रही हैं, बैकग्राउंड स्कोर बोल रहा है, कैमराज बोल रहे हैं, लड़की बच्ची वॉइस ओवर्स बोल रहे हैं, एवरीथिंग इज लाइक, आप कभी छोला भटूरा इधर खा लो, यू विल गेट अ टेस्ट, बट देर इज़ अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन द सेम डिश। दिस शेफ और अ डायरेक्टर मिस्टर विनोद कापड़ी इज मार्वेलस। मतलब उन्होंने हर एक लेयर को लेयर पे रखा है, बिकॉज वेन यू स्लाइस एंड टेक अ बाइट, एवरी थिंग क्रंच तक का साउंड आपको समझ में आएगा। मार्वेलस। स्टोरी लाइन में मैं बताता रहा हूँ, वो एहसास ही है जो एक रिश्ते को कायम करता है। हम आपको दोस्त कहते हैं या किसी से दोस्ती कहते हैं, वो एक कनेक्शन बनता है, मगर यहाँ पर सेम चीज़ है कि वो जो फैमिली सोसाइटी इन सब की भीड़ में जो एक घर दिखाया है कि ये मेरा भी घर हो सकता है, आपका भी घर हो सकता है,
आपके दोस्त का भी घर हो सकता है और उस घर की एक कहानी है जो सत्य है और ऐसा हो रहा है। बड़े से बड़े लोग एक फ्रस्ट्रेशन एक डिप्रेशन लेवल पे आते हैं जहाँ पर वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं बट दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर देयर डेथ, दे डोंट नो हुम दे आर लिविंग। और वो जो पूरी संरचना है मार्वेलस, मतलब स्टोरी कनेक्ट कैसे है कि हर एक पहलू आपको स्टार्ट टू एंड ले जा रही है। और फिल्म का आखिरी लाइन जो बच्ची कहती है ना कि मैंने दोनों घर को जोड़ दिया है और मम्मा को उठाओ, मम्मा को क्या हुआ है पता नहीं, वो जो बैकग्राउंड स्कोर स्टेबल, डीओपी योगेश जानी मार्वेलस, उन्होंने डायरेक्टर के विजन को समझा और सेम वे में प्रेजेंट किया, लाइक ब्लैक पैंथर एंड अदर मूवीज व्हाट हैपन, लाइक डायरेक्टर एंड डीओपी गेट कनेक्टेड एंड दे व्हाट ही इन हिज माइंड और इन हर माइंड दे एग्जीक्यूट इन द सेम वे, दे प्रेजेंट द विजन सो दैट यू कैन बी कनेक्टेड एंड द वे दे हैव होल्ड द स्क्रीन फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम, इट्स फैंटाबुलस। सर अगर 100 स्टार होंगे तो 101 स्टार्स मिलेंगे, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दिस, कोई भी जाकर के इसको देखे, आई विल बाय अ टिकट फॉर यू, यू मस्ट वॉच इट एंड ट्रस्ट मी द डे यू विल वॉच इट यू आर गोइंग टू से सॉरी, बिकॉज डोंट बी सो लेट टू से सॉरी दैट इट विल बी यू नो ऑफ यूजलेस। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर।